Hello friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter number 13, Symmetry of Class 6. Exercise 13.3, question number 1. Find the number of line of symmetry in each of the following shapes. यहाँ पे मेरे पास कुछ shapes हैं. इन shapes में हमें line of symmetry draw करनी है. And then हमें बताना है कि इन shapes में हम कितनी line of symmetry draw कर सकते हैं. So first is का A part. यहाँ पे हमें star की shape given है. इसमें हमें line of symmetry draw करनी है. तो सबसे पहले तो हम एक इस तरह से वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? चेक करेंगे. इस स्टार का हाफ पार्ट इधर है, हाफ इधर है. हम देख सकते हैं ये एक ट्राइंगल इसमें इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है. और जो ऊपर नीचे वाली ट्राइंगल है, इनका हाफ पार्ट लेफ्ट साइड पे और हाफ पार्ट राइट साइड पे. तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. इसको हम नाम देंगे L1. इसी तरह से दूसरी लाइन है, इसमें हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर सकते हैं. इस लाइन से स्टार का हाफ पार्ट ऊपर होगा, हाफ पार्ट नीचे होगा. जब हम इसको फोल्ड करेंगे, ये वाला कॉर्नर इसके ऊपर आ जाएगा, ये कॉर्नर यहाँ पर आएगा और ये कॉर्नर यहाँ पर आएगा. दैट मीन्स कि फोल्ड करने पे ये फिगर एक दूसरे को कम्प्लीटली ओवरलैप करेगी. सो ये भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. इसको हम नाम देंगे L2. देन एक लाइन हम इसमें यहां से ड्रॉ कर सकते हैं. जब हम इसको इस लाइन के ऊपर से फोल्ड करेंगे, सो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, ये पॉइंट इस पॉइंट पे आएगा एंड ये वाला पॉइंट इधर आके फोल्ड हो जाएगा, कम्प्लीटली ओवरलैप करेगा. सो इस लाइन को नाम देंगे हम L3. ये भी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. एंड एक लाइन हम इसमें यहाँ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. बाकी सारी लाइन भूल जाएंगे, सिर्फ इसको देखेंगे. जब हम इस फिगर को यहाँ से इधर फोल्ड करेंगे, तो ये कॉर्नर इस पे आ जाएगा, ये कॉर्नर इस पे आ जाएगा. ये फिगर एक दूसरे को कम्प्लीटली ओवरलैप करेगी. इस फिगर के दोनों पार्ट इक्वल होंगे. सो ये होगी लाइन F4. सो इस लाइन, इस फिगर में हमने टोटल कितनी लाइंस ड्रॉ करी है? 1, 2, 3, 4. ये चारों हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी. सो इसके लिए हम आंसर लिखेंगे, देयर आर 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री. नाउ नेक्स्ट है बी पार्ट. बी पार्ट में हमें एक ट्री गिवन है, इसमें हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है. सो फर्स्ट तो इसमें हम ऊपर कॉर्नर से जो हमारा नीचे वाला बेस है, इसका हाफ लेंगे हम दोनों साइड. इस तरह से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ये होगी हमारी वर्टिकल लाइन. इस लाइन से हमारा ट्री टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. हाफ पार्ट इधर है, हाफ पार्ट इधर है. हम इसको देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा, ये पॉइंट इस पे आएगा, ये पॉइंट इस पे आएगा और ये वाली लाइन इसको ओवरलैप करेगी. इसी तरह से जब हम यहाँ से फोल्ड करेंगे, तो ये वाली लाइन इसके ऊपर आ जाएगी. सो ये इस फिगर की लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. इसको हम नाम देंगे L1. क्या इसमें हम और लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं? सपोज अगर हम इसमें यहाँ से ड्रॉ करते हैं लाइन, क्या इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? नहीं होगी, क्योंकि जब हम इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे, ये एग्जैक्टली इस पूरे पार्ट को ओवरलैप नहीं करेगा. सो ट्री में सिर्फ हम ये एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. इसके लिए हम आंसर लिखेंगे, देयर आर ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. नाउ नेक्स्ट इज सी पार्ट. सी पार्ट में दो बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स है. ये दोनों बॉक्स एक दूसरे से ज्वाइन है, ये ऊपर है, ये नीचे है. अब हम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट लाइन तो हम इसमें यहाँ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. जब हम इस लाइन पे से इन सर्कल को, स्क्वायर्स को फोल्ड करेंगे, इस स्क्वायर को हम इसके ऊपर फोल्ड करेंगे, तो दोनों का साइज सेम है, तो ये एग्जैक्टली इसको ओवरलैप करेगा. सो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी L1. दूसरी लाइन हम इसमें यहाँ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. जब हम इन दो, इस पूरी फिगर को इस लाइन के ऊपर से फोल्ड करेंगे, तो ये स्क्वायर हमारा टू ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया है. जब हम फोल्ड करेंगे, तो ये वाला ट्राइंगल हमारा इस वाले ट्राइंगल के ऊपर इस तरह से फोल्ड हो जाएगा. इसी तरह से ये वाला पार्ट भी हमारा फोल्ड हो जाएगा. सो ये होगी लाइन L2. सो इस फिगर में हम दो लाइन सिमेट्री की ड्रॉ कर सकते हैं, L1 एंड L2. इसके लिए हम आंसर लिखेंगे, देयर आर 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री. नाउ नेक्स्ट है डी पार्ट. डी पार्ट में जो हमें शेप गिवन है, इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले तो हम इसमें हम यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं. जब हम इस लाइन पे से इसको फोल्ड करेंगे, तो ऊपर जो इसमें तीन बॉक्स है जो कि राउंड है थोड़े ऊपर से, उसको जब हम नीचे फोल्ड करेंगे, वो एग्जैक्टली इन तीनों बॉक्स के ऊपर आ जाएगा. ये भी नीचे से यहाँ पर राउंड है, तो इसका जो ऊपर वाला कर्व पार्ट है, वो नीचे कर्व पार्ट पे एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा. सो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी L1.
देन सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री हम इसमें यहाँ सेंटर से ड्रॉ कर सकते हैं। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाले दोनों हमारे सर्कल इन दोनों सर्कल के ऊपर आ जाएंगे और ये जो बीच वाला पार्ट है ये लाइन के हाफ पार्ट इधर है हाफ पार्ट इधर है। सो फोल्ड करने पे ये इस पे एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा, ये होगी हमारी लाइन एल टू, एल वन एंड एल टू। सो इस शेप में हम टोटल दो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। सो इसके लिए आंसर लिखेंगे हम, देयर आर टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नाउ नेक्स्ट है ई पार्ट। ई पार्ट में हमें ये एक बटरफ्लाई जैसी शेप गिवन है, ये एक इंसर्ट होता है कुछ बटरफ्लाई जैसा। अब हमें इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। सो लाइन ऑफ सिमेट्री हम इसके सेंटर में यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। दो विंग्स इसके इधर आ गए, दो विंग्स इसके इधर आ गए। जो बीच का बॉडी का पार्ट है उसका हाफ पार्ट इधर है हाफ इधर है। जो ऊपर इसके ये दिए गए हैं यहाँ पर हैंड्स, ये भी दो इधर है दो इधर है। और जो आईज इसकी एक आई लाइन के लेफ्ट साइड पर है और एक आई लाइन के राइट साइड पर है। दैट मीन्स कि इस लाइन से ये फिगर कंप्लीटली टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। सो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी एल वन। क्या इसमें हम इस तरह से भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। विंग्स तो हम देख सकते हैं एक ऊपर है एक नीचे, इधर भी एक ऊपर एक नीचे हो जाएगा, लेकिन जो इसकी बॉडी का पार्ट है ऊपर इसमें हेड आ जाएगा, नीचे इसमें कोई हेड नहीं है। सो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। सो इस फिगर में सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। सो इसके लिए हम आंसर लिखेंगे, देयर आर ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ नेक्स्ट है एफ पार्ट। एफ पार्ट में एक हमें एरो गिवन है। इस एरो में सिंपल हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो एरो का ये वाला पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा इधर की साइड। ये फिगर फोल्ड करने पे कम्प्लीटली इसको ओवरलैप करेगी, क्योंकि ये पॉइंट इस पे आ जाएगा, ये पॉइंट इस पे आ जाएगा और इधर वाला ये पॉइंट सामने इधर आ जाएगा। सो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। इसको हम नाम देंगे एल वन। दूसरी लाइन हम इसमें हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो एरो का हाफ पार्ट ऊपर है हाफ नीचे है, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा। इसको फोल्ड करने पे ये एग्जैक्टली इसको ओवरलैप करेगा। सो ये होगी लाइन एल टू। इस फिगर में हम टू लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। सो इसके लिए हम आंसर लिखेंगे, देयर आर टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। सो इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था, हमें जो शेप्स गिवन थी हमें उसके लिए फाइंड करना था कि हम इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। सो हमने सभी पार्ट के लिए फाइंड कर लिया है। सारे पार्ट्स में हमने बता दिया कि किस शेप में हम कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर वन एंड आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। And for full syllabus, subscribe my channel.